उधर झारखंड विधानसभा में नेता विपक्ष हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि जेएमएम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल के सीमावर्ती इलाकों पर ज्यादा फोकस करेगा। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। झारखंड के नेता विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री का काम नजर नहीं आता है। स्थानीय नीति पर हेमंत ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास आदिवासी मूलवासी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और नियुक्ति में मूलवासियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अप्रैल महीने में पार्टी का सांगठनिक विस्तार किया जाएगा। देखिए, बंगाल चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तैयारी में लगी हुई है। लगभग हम लोग 30 सीटों पर अभी तक चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। अभी तो बातें ही सिर्फ आ रही है, परिणाम तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब परिणाम जब आएगा तब इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि अभी सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि जिस तरीके से चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक की बातें आ रही थी, वही बातें अभी कंटिन्यूस प्रोसेस पर है। उनका वादा चल रहा है कि हर चीज़ें मिलेंगी, 2020 के बाद ही आपको मिल सकता है इससे पहले। तो सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से 1.5 सालों तक इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के साथ और उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,